हेलो दोस्तों, मैं संदीप, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबिल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार के एग्ज़ाम लगे हुए दोस्तों, 19 दिसंबर या 20 दिसंबर को दोनों होने हैं पेपर दोस्तों। तो उसी के उपलक्ष्य में हम मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, यानी प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं दोस्तों। और ये हमारा 13वां प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इससे पहले हमने 12 प्रैक्टिस सेट करवा दिए दोस्तों, हिंदी और सामान्य ज्ञान के दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे दोस्तों, तो जेल वार्डन फायरमैन प्रैक्टिस सेट के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा दोस्तों। वहाँ पे सारे वीडियो एक तरफ से लगे हुए मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर के आप सारे प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट दोस्तों, हिंदी का है। देखिए, हिंदी के टोटल 37 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, इसलिए हम 114 से लेकर के 150 नंबर तक देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 114 नंबर क्वेश्चन का कहता है दोस्तों कि यह आम पका है और वह कच्चा है दोस्तों। तो वाक्य में यह क्या है दोस्तों? देखिए, यह आम पका है दोस्तों, ठीक है, और वह कच्चा है दोस्तों। तो इसमें यह शब्द क्या है दोस्तों? यह शब्द क्या बता रहा है दोस्तों? देखिए, आपको लग रहा क्या कि यह क्या है? सर्वनाम है दोस्तों, मगर आप यही गलती कर बैठोगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए, इसके पीछे क्या लिखा? आम। आम की विशेषता क्या है? यह है दोस्तों। तो यह क्या हुआ? सर्वनाम तो है दोस्तों, मगर ये सर्वनाम यहाँ पे सही आंसर नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ये सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि आम की यह विशेषता बतला रहा दोस्तों। ठीक है, क्यों? क्योंकि आम की यह विशेषता बता रहा है। अगर वह पूछता तो यह सर्वनाम होता दोस्तों, क्योंकि ये किसी की विशेषता नहीं बता रहा दोस्तों। तो ये आम की विशेषता बता रहा कि कौन सा आम? यह आम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? सार्वनामिक विशेषण दोस्तों। ठीक है, देखिए सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम को पता कि वो क्या होगा? सर्वनाम हो जाएगा। प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें याद रखें। अब परिमाण वाले क्या होते हैं? जिसमें नाप तौल वाली चीजें आती है, जैसे 2 मीटर कपड़ा, 3 किलो घी, है ना दोस्तों? वो चीजें क्या होगी? आपके परिमाण वाचक विशेषण में आएंगे दोस्तों। अगला है, जैसा शब्द किस निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों? जैसा शब्द क्या है दोस्तों? ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर आपका क्रिया विशेषण दोस्तों। तो जैसा क्या है? जैसी करनी हो वैसी बननी, संबंध वाचक दोस्तों। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका? विशेषण होता है, जैसे जैसा देश वैसा भेष दोस्तों। तो ये क्या होगा? सर्वनामी विशेषण जैसा हो जाता है दोस्तों। ठीक, इसमें भी विशेषण आपका हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक, तो 115 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण दोस्तों? संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण कौन सा दोस्तों? देखिए यहाँ पे क्या दोस्तों, ये तो आपको लग रहा है कि देखिए, मैं सामान वहीं रखा था दोस्तों, ये संदिग्ध थोड़ी ना है। मैंने वहीं सामान रखा था, ये भी संदिग्ध नहीं है दोस्तों। मैंने सामान वहीं रखा था दोस्तों, ये भी क्या है आपका? संदिग्ध नहीं है दोस्तों। तो संदिग्ध है क्या दोस्तों? मैंने वहीं सामान रखा होगा दोस्तों। यहाँ देखिए, कन्फर्म नहीं दोस्तों, होगा, रखा होगा दोस्तों। अब यहां पे आप भूत भविष्य मत सोच ले रहे हो दोस्तों, क्योंकि भविष्य नहीं होगा दोस्तों, यहां पे संदिग्ध भूतकाल होगा दोस्तों। ठीक है, तो क्योंकि मैंने वही सामान रखा होगा शायद, है ना? तो इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि संदिग्ध है, पता नहीं रखा होगा नहीं रखा होगा दोस्तों। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस शब्द में गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाया जा सकता दोस्तों? किस में हम गण का प्रयोग करके दोस्तों बहुवचन नहीं बना पाएंगे दोस्तों? ठीक है, देखिए, भक्त में गण लगा दें, भक्तगण दोस्तों, बिल्कुल ये ऐसा होता भी है दोस्तों। नेता में नेतागण बिल्कुल हो जाता है, नेता में भी हो जाएगा दोस्तों, वैसे नेता का नेता ही होता है। ठीक है, तो नेता का भी हो जाएगा बहुवचन। शिक्षक का शिक्षकगण दोस्तों बिल्कुल, देवी का देवी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें नहीं लगा दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन का होगा बिल्कुल गलत दोस्तों। अगला है, 118 नंबर का है, ठीक समय पर आना है दोस्तों। तो इसमें कौन सा कारक होगा दोस्तों? ठीक है, कौन सा कारक होगा? कर्म होगा या फिर आपका करण होगा या फिर संप्रदान होगा या फिर अधिकरण। देखिए यहाँ पे पर आकर अधिकरण में होता है मे पर दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा? अधिकरण कारक दोस्तों। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी दोस्तों? आपको पता है कि लिंग दो ही होते हैं हिंदी में, कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग, पुरलिंग। मगर ऐसे सेंटेंस होते हैं दोस्तों जो दोनों चीजों में प्रयोग आते हैं दोस्तों, मतलब स्त्री में भी और पुरलिंग में भी दोस्तों, तो उन्हें हम क्या उभयलिंगी की श्रेणी में रख सकते हैं दोस्तों। ठीक, वैसा कोई है नहीं दोस्तों। इसमें कौन सा होगा दोस्तों? देखिए, विद्वान का आपको पता है ये क्या है? पुरलिंग है, इसका विदुषी हो जाता है दोस्तों। गायक का गायिका हो जाता है। अभिनेत्री है तो इसका अभिनेता हो जाएगा, पुरलिंग हो जाएगा। नर्तकी का नर्तक का नर्तकी हो जाएगा दोस्तों। मगर डॉक्टर दोस्तों ये दोनों चीजों में यूज होता है, चाहे स्त्रीलिंग हो, एक डॉक्टर साहिबा आ रही है, डॉक्टर साहब आ रहे हैं दोस्तों। तो डॉक्टर दोस्तों ये जो ज्यादातर जो पेशा होते हैं दोस्तों, वो हमेशा उभयलिंगी ही होते हैं दोस्तों। ठीक, तो ये याद रखेंगे, हमारा ए ऑप्शन का होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है दोस्तों, कौन सा इसमें से दंत है दोस्तों? तो ये बताना। देखिए, तो हमारा क्या हो जाएगा? तुलसा नाम दंता, तो ता हो जाएगा, ला हो जाएगा और सा सरोता हो जाएगा दोस्तों। ता वर्ग वाले ता था दाधा, है ना, और सा
ठीक। और लाल लट्टू ये सब क्या होते हैं, दंत ही होते हैं मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी नंबर दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा दोस्तों, ठीक है, घोष वर्ण कौन सा दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी दोस्तों, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए पहले क्या होते हैं, पहले दोनों अघोष होंगे दोस्तों, फिर इसका सघोष होते हैं, ठीक दोस्तों। तो ये चीजें याद रखनी, पहले के दो अघोष होंगे, फिर दोनों, फिर तीसरे लास्ट वाले का होंगे वर्ण सघोष हो जाएंगे दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली निम्नलिखित में से कौन सी दोस्तों, ठीक है, पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली कौन सी दोस्तों, यह आपको बताना है, ब्रजभाषा या फिर खड़ी बोली, बांगुरु या फिर बुंदेली मेरे दोस्तों। तो कौन सी जाके सबसे सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक प्रचलित है दोस्तों, तो खड़ी बोली आपको पता है, इसे मानक भाषा भी कहा गया दोस्तों, ठीक। देखिए पश्चिमी हिंदी में, पश्चिमी हिंदी में लगभग सबसे बड़ी बोली भाषा है दोस्तों पश्चिमी हिंदी का है। देखिए पूर्वी हिंदी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ आते हैं दोस्तों, और ब्रज भाषा बुंदेली है ना, खड़ी बोली, बांगड़ू जिसको हरियाणवी बोलते हैं दोस्तों, ये सब किस में आती है दोस्तों, आपकी पश्चिमी हिंदी में आती है दोस्तों, कन्नौजी भी इसी में आती है। तो उसकी सबसे प्रसिद्ध भाषा कौन सी है दोस्तों, खड़ी बोली दोस्तों, इसे मानक हिंदी के रूप में लिया गया दोस्तों, ठीक। और ब्रज भाषा को हम काव्य भाषा बोलते हैं दोस्तों, तो ये भी याद कर लेंगे दोस्तों, हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा, बी नंबर। चलिए अगला है, भिन्नार्थक शब्द का चयन करिए दोस्तों, भिन्नार्थक क्या दोस्तों, वो आपको चयन करना है दोस्तों। देखिए पवन, ठीक, अनिल, कृषाणु या फिर अनल दोस्तों, तो इसमें सॉरी पावक है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें भिन्न क्या है दोस्तों, वो आपको बताना दोस्तों, आपको पता होगा अनिल क्या है दोस्तों, ये हवा का है दोस्तों, तो अनिल क्या होगा, भिन्न हो जाएगा। बाकी ये सब किसके हैं दोस्तों, पावक, अनल और कृषाणु दोस्तों किसके हैं, आग के दोस्तों। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि अनिल मीन्स आग होता है, अनिल मीन्स क्या होता है दोस्तों, वायु होता है, हवा होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया दोस्तों। अगला है, अनवेषण दोस्तों का सही शुद्ध संधि विच्छेद का होगा दोस्तों, अनुधन ऐषण दोस्तों, क्या होगा, अनुधन ऐषण दोस्तों, अन्वेषण दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी नंबर दोस्तों। और ये आपका यण संधि दोस्तों, यण संधि पहचानने के लिए हमने बताया था दोस्तों कि किसी भी या और वा के पहले कोई अर्ध व्यंजन आए दोस्तों, तो वही क्या होता है, हमारा यण संधि का ही उदाहरण होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको क्या करना है, पूर्ण करना है, यानी पूरा करना है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ये हमें बताना है। देखिए परभ्रत का पर्यायवाची है, तो परभ्रत किसका पर्यायवाची दोस्तों है, तो बगुला का, किसका दोस्तों, बगुला का है दोस्तों, ठीक। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है 126 नंबर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है दोस्तों, संस्कृत वाला शब्द कौन सा, ये बताना है, अधिवेशन, पता, निपुण या फिर फागुन मेरे दोस्तों। तो इसका देखिए तत्सम शब्द कौन सा होगा, ये आपको बताना। तो क्या अधिवेशन दोस्तों, ये क्या है आपका, संस्कृत का शब्द है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, कि आपको शुद्ध वाक्य बताना, किसमें शुद्ध वाक्य दोस्तों, उसके पास उस समय केवल चार भैंसे थी। अब देखिए केवल एक के लिए लगा दोस्तों, ठीक, केवल चार भैंसे मात्र थी। देखिए यहाँ पे चाहे आप केवल लगा लो चाहे मात्र लगा लो दोस्तों, दोनों का अर्थ क्या होता है दोस्तों, एक ही होता है दोस्तों। यहाँ पे हम अगर केवल लगाएंगे तो मात्र का यूज हम नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक। तो ये क्या होगा, सेंटेंस गलत होगा दोस्तों, उसके पास उस समय केवल चार भैंसे थी दोस्तों। ये हमारा सही हो सकता है दोस्तों, मगर हम आगे चलते हैं दोस्तों, ये हमारा सही है, इसको हम चिन्हित कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे का दिक्कत दोस्तों, उसके पास उस समय केवल मात्र, देखिए वही केवल मात्र द्वारा हम यूज नहीं करेंगे दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बी हो जाएगा दोस्तों। अगला है, रुग्ण का विलोम क्या होगा दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, 128 नंबर का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा दोस्तों। रुग्ण मतलब आता है निरोग टाइप, रोग टाइप का, रोगी टाइप का, ठीक दोस्तों, तो हमारा स्वस्थ हो जाएगा। अगला दोस्तों है, पर्वत की तलहटी को एक शब्द में क्या बोलेंगे दोस्तों, वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए हम पर्वत की तलहटी को क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों आपके हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, उपत्यका बोलते हैं, और ये दोस्तों आपके लेखपाल के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, ला प्रत्यय है दोस्तों, तो किसमें ला प्रत्यय दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। ला प्रत्यय किसमें, यह आपको बताना है दोस्तों, कर्ता कारकीय में दोस्तों, या फिर कर्म कारकीय में, या फिर करण कारकीय में, या फिर संप्रदान कारकीय में, हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आ हो जाएगा, सु हो जाएगा, आ प्लस सु हो जाएगा, इत हो जाएगा दोस्तों। तो क्या है, आ प्लस सुरक्षित, तो हमारा आ क्या होगा, बिल्कुल और बिल्कुल सही उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों। अगला है, भर पेट में समास बता दोस्तों, भर पेट मतलब क्या होता है, पेट भर के दोस्तों, ठीक है, भर पेट मतलब क्या होता है, पेट भर के दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा दोस्तों, ये बताना है दोस्तों। देखिए हमारा क्या हो जाएगा, भर पेट में, भर पेट दोस्तों, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, हमारा अव्ययीभाव समास हो जाएगा दोस्तों, पेट भर के दोस्तों, ठीक है। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, पहला शब्द क्या होता है दोस्तों, उपसर्ग
सर्ग जाति होता है दोस्तों, और इसका पहला ही पद क्या होगा, प्रधान होगा मेरे दोस्तों। ठीक, द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते, बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होगा दोस्तों। और तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों, कारक चिन्ह का लोप पाया जाता है दोस्तों। कारक चिन्ह समझते होंगे दोस्तों, कर्ता ने कर्म को ना, वो चीजें का लोप पाया जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। दोस्तों यह समझते होंगे, बांझ का तो जिसके कोई पुत्र नहीं होता दोस्तों, तो वो दूसरे की पीड़ा क्या समझ सकते हैं दोस्तों ना, इसका मतलब क्या, दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, या फिर सहानुभूति नहीं दिखाना, या संतानहीन होगा, या फिर जिस पर बीतती है वही जानता दोस्तों। तो ये बात सही होगा कि जिस पर बीतती केवल वही समझ सकता दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, बांझ के जाने प्रसव पीड़ा मतलब क्या हो जाएगा, जिस पर बीतती है वही जानता दोस्तों, ठीक है। आईना शब्द है दोस्तों, आईना शब्द किसका है, किस भाषा का है दोस्तों, तुर्की का, फारसी का, अरबी का, या फिर हिंदी का मेरे दोस्तों। तो किसका है दोस्तों, तो आपको पता होगा किसका है, फारसी का दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, अनुचित लोकोक्ति का चयन करें दोस्तों। अनुचित लोकोक्ति का चयन करना है दोस्तों कि कौन सा अनुचित है, आगे कुआं पीछे खाई, यानी दोनों तरफ से क्या, मुसीबत ही मुसीबत। अगला है, अधजल गगली लपटा जाए छलका जाए दोस्तों, है ना, जो अधजल गगली का होता है छलका जाती दोस्तों, ठीक, अपनी पगड़ी अपने हाथ दोस्तों, ठीक है, ये भी सही है। ऊंची दुकान फीका पकवान दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन से गलत होगा दोस्तों, अधजल गगरी छलका जाए होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, संगम शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है दोस्तों। तो संगम शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है दोस्तों, क्या है, अनुस्वार वाली अशुद्धि दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाए, एक बिंदी होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, संगम। और दोस्तों अगर इसमें पूछ ले कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, समधन गम दोस्तों, समधन गम। और कौन सी संधि हो जाएगी, आपको पता होगा इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी दोस्तों। अगला है, करुण रस का स्थायी भाव का दोस्तों। तो करुण मतलब क्या होता है, जहां पर रोया गाया जाए दोस्तों, और क्या होगा, वहां पर शोक हो जाएगा दोस्तों। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, शोक होगा। हास्य का क्या होगा, हास्य हो जाएगा दोस्तों। और वीर का रस का क्या होता है, उत्साह होगा दोस्तों। और रथ किसका होता है, श्रृंगार रस का दोस्तों, रति या प्रेम हो जाता है दोस्तों। अगला है, रावण सिर सरोज वनचाली वनचारी चल रघुवीर सिली मुखधारी दोस्तों। तो सिली मुख में कौन सा अलंकार होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर देखिए श्लेष अलंकार दोस्तों, क्यों, क्योंकि सिली मुख क्या होता है दोस्तों, भंवरा भी होता है और सिली मुखधारी, ठीक दोस्तों। तो इसका अर्थ क्या होता है, भंवरा हो जाएगा दोस्तों और बाण हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, अनुप्रास सॉरी श्लेष अलंकार दोस्तों। श्लेष अलंकार क्या होता है दोस्तों, जहां पर किसी शब्द से कई सारे अर्थ निकले दोस्तों, वही श्लेष अलंकार के अंतर्गत आता है मेरे दोस्तों, ठीक। तो 138 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ए नंबर। चलिए 139 देखते हैं, किस वर्ग में सभी शब्द अनेकार्थक है दोस्तों। किस वर्ग में सभी शब्द क्या है दोस्तों, अनेकार्थक गुण क्या है दोस्तों, ठीक है। अंक वधु विची दोस्तों ये नहीं है दोस्तों, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तात दुर्ग और भुजंग दोस्तों, ठीक है। यही क्या है, हमारे अनेकार्थक वर्ग के हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, तैराक निम्नलिखित में से किससे निर्मित है दोस्तों। तैराक निम्नलिखित में से किससे निर्मित है दोस्तों, संज्ञा से, क्रिया से, या सर्वनाम से, या फिर अव्यय से दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्रिया से, तैरना दोस्तों, तैरना से बन गया तैराक दोस्तों। तैरना क्या है, क्रिया है दोस्तों। अगला है, शुद्ध वर्तनी होगा दोस्तों, लहु लुहान का शुद्ध वर्तनी क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। तो लहु लुहान का सही शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों, लहु लुहान दोस्तों, लहु लुहान दोस्तों। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। अब देखिए आपके पास पैराग्राफ आ चुका है दोस्तों, गद्यांश, ठीक, इसे आपको पढ़ना है और 142 से 46 तक हम आंसर देंगे दोस्तों। देखिए हम इसे पूरा पढ़ेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो चलिए इसको देखते रहिए आप लोग, ठीक दोस्तों, और इसको हम दिखाते हैं, फिर इसके बाद हम इसके आंसर करने वाले दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, देखिए दोस्तों ये आपका पूरा पैराग्राफ दोस्तों, इसको आप लोग पढ़ते रहिएगा दोस्तों, या फिर आप इसे पीछे करके देख सकते हैं दोस्तों। सीधा हम इसके क्वेश्चन करने वाले दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है, 142 नंबर, उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा दोस्तों। एकाग्रचित बनो, या फिर क्रोध में अमंगल, या फिर शांत रहे सुखी रहो, ठीक दोस्तों, सफलता का उपाय दोस्तों। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, शांत रहें सुखी रहो दोस्तों, ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही दोस्तों। अगला है, क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया दोस्तों। तो क्या कहा गया है, क्रोध आने पर अगर शांत हो जाते दोस्तों, उसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों, महायोग दोस्तों। इससे बढ़ के योग कोई भी नहीं दोस्तों, कि आपको जब क्रोध आए दोस्तों, उस समय आप शांत हो जाइए दोस्तों, क्योंकि क्रोध में हम किसी को बुरा भला कह सकते हैं दोस्तों, उस समय क्या हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। चलिए अगला दोस्तों देखते क्वेश्चन, कि क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन से रोग दूर हो जाते दोस्तों। तो कौन से रोग दूर होते हैं, अगर हम क्रोध को काबू कर लेते हैं मेरे दोस्तों, तो हमारा सही क्या हो जाएगा, पाचन क्रिया से जुड़े रोग दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चिंता की रेखाएं कहां उभर आती दोस्तों। तो चिंता की रेखाएं कहां उभर आती दोस्तों, आपको पता होगा, ओजस्वी चेहरे पर दोस्तों, अगर आप पैराग्राफ को सही से पढ़े होंगे दोस्तों, ठीक है।
चलिए 146 नंबर क्वेश्चन का है, शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें दोस्तों? तो रात को क्या करें, क्रोध के अनुभव डायरी में लिखें, या विश्वास पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करें, या डायरी में लिखे हुए अनुभव पढ़ें, या शांत वातावरण में सो जाएं दोस्तों। ठीक है, फिर शांत वातावरण में क्या करें, सोने के लिए चले जाएं दोस्तों। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, क्रोध के अनुभव डायरी में लिखें दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन दोस्तों कौन सा हो जाएगा, उर्वशी, अंधायुग, निहार, या फिर पल्लव दोस्तों। तो रामधारी सिंह दिनकर की दोस्तों कौन सी रचना है दोस्तों, और इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध इनको पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों। तो याद रख लेंगे कौन सा है, उर्वशी दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देख अंधायुग किसकी दोस्तों, तो पता होना चाहिए इसके, अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ दोस्तों, अंधायुग किसकी रचना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रसनिध कवि किसका उपनाम है दोस्तों? रसनिध के नाम से किसे जाना जाता था दोस्तों? लक्ष्मण प्रसाद, पृथ्वी सिंह, बेनी माधव, या फिर अब्दुल रहमान दोस्तों। तो किसे रसनिध के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों? तो किसको, पृथ्वी सिंह को दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के फूल निबंध संग्रह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे याद रखिएगा जरूर दोस्तों, कि किसकी है दोस्तों, कुबेरनाथ राय, या फिर गुलाब चंद्र, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी की दोस्तों। किसकी है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की दोस्तों। अगला है, माखनलाल चतुर्वेदी को उनको किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला दोस्तों? तो किसके लिए, हिमतरंगिनी, हिमकिरीटनी, युगचरण, या फिर साहित्य देवता दोस्तों। तो किसके लिए, आपको पता होगा किसके लिए, हिमकिरीटनी के लिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये हमने क्वेश्चन देख लिए दोस्तों, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप देखिएगा दोस्तों। और अगर आपने पिछले प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे दोस्तों, सॉरी प्रीवियस ईयर पेपर भी हमने डाल रखे दोस्तों, आप जाइए, आपको यूपी पुलिस के सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे दोस्तों। आप जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार की उसमें जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा आप प्रैक्टिस सेट सभी करिए दोस्तों, क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं पढ़ने के लिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। अगर आप मैराथन देखने आते हैं दोस्तों, हिंदी किसी भी मतलब सब्जेक्ट में दिक्कत है दोस्तों, किसी भी पार्ट में दिक्कत दोस्तों, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए दोस्तों, वहां पर मैराथन क्लास मिल जाएगी, या फिर आप संपूर्ण हिंदी वाले में जा सकते दोस्तों, जिसमें आपको प्रॉब्लम है दोस्तों उसे आप क्लियर करिए अच्छे से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हिंदी से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों, जिससे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके दोस्तों। हम रेगुलर आपके लिए मॉक टेस्ट लाते रहे दोस्तों, प्रैक्टिस सेट लाते रहे जेल वार्डन के लिए, जब तक कि पेपर आपके नहीं हो जाते दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।